देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को, है ना। जैसा कि हम बोले थे कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले देखें कि प्रश्न में हमसे सवाल क्या कर रहा है, ठीक है। तो सवाल क्या कर रहा है, यहां देखिए, बा की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाई गई, मतलब समय पूछ रहा है कि बा का पूंजी कितने समय के लिए, है ना, मतलब समय पूछ रहा है। समय निकलेगा कैसे, तो लाभ में पूंजी से भाग देकर, ठीक है। अब ढूंढिए लाभ और पूंजी को, है ना। चलिए प्रश्न को देखिएगा थोड़ा सा। कहता है आ और बा संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5:6 में पूंजी निवेश करते हैं। पूंजी तो दे दिया जी कि आ और बा 5:6 में पूंजी निवेश करता है, मतलब आ और बा का पूंजी 5:6 है। पूंजी कहां लिखना है, नीचे, मतलब आ का पूंजी 5 और बा का पूंजी 6, क्लियर। अब लाभ ढूंढना बाकी है। यहां पर देखिए, यदि यहां के बाद देखते हैं, कहता है यदि दोनों को 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता, 5:9 में लाभ मिलता, तो लाभ भी तो दे दिया कि आपको मिलता है 5, लाभ कहां लिखना है, ऊपर, आपको मिलता है 5 अब आपको मिलता है 9, क्लियर। तब तो बात स्पष्ट हो गया, लाभ बटा पूंजी, लाभ बटा पूंजी, तो हमारा समय निकल आया, है ना। काट कूट कर दीजिए, 3:9 और 2:6, 3 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 2:3। ये क्या निकला, समय का अनुपात निकला, मतलब आ का पूंजी अगर 2 वर्ष तक रहा तो बा का पूंजी 3 वर्ष तक, मतलब आ 2 तो बा 3। अब जब समय आपसे पूछ रहा है कि बा का पूंजी कितने समय तक रहा, तो किसी ना किसी का समय दिया होगा, नहीं। चलिए देखते हैं समय कैसे देखते हैं। देखिए यहां से देखिए, 8 महीने बाद आ अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है, क्लियर। 8 महीने बाद आ अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है। आ के बारे में कहता है कि 8 माह बाद यह अपनी पूंजी निकाल लेता है, निकाल लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आ का पूंजी व्यापार में 8 माह तक रहा, नहीं, आ का पूंजी व्यापार में 8 माह तक, क्योंकि 8 माह के बाद निकाल लिया, इसका मतलब आ का पूंजी 8 माह तक रहा। तो दे ही दिया आ का समय 8 माह, और यहां समय कितना है 2, तो 2 का वैल्यू हो गया 8, 2 का वैल्यू कितना हो गया 8 माह, तो 2 सिक्का का वैल्यू 8, तो 1 सिक्का का वैल्यू 4, 1 सिक्का का वैल्यू 4, जब 1 सिक्का का वैल्यू 4, तो 3 सिक्का का वैल्यू 4 दिया 12 माह। 12 माह का मतलब कितना, 1 वर्ष, मतलब बा का पूंजी व्यापार में कितना माह तक रहा, 12 माह तक। एंसर नोट कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, है ना। वही बात यहां भी करेंगे हम कि आपसे क्या सवाल कर रहा है। यहां देखिए, बताएं कि प्रियांशु कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, कितने महीने बाद, कितने महीने बाद, कितने महीने बाद, कितने महीने बाद, का मतलब क्या हुआ, समय हमसे पूछ रहा है, समय कैसे निकलेगा, तो लाभ में पूंजी से भाग देकर, लाभ में पूंजी से भाग देकर। चलिए क्वेश्चन को भी थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। कहता है पीयूष ने 3500 रुपया पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है, ठीक है। व्यापार कौन प्रारंभ किया, पीयूष, कितना रुपया लगाकर, 3500 रुपया लगाकर। कुछ महीने बाद 3000 रुपया के पूंजी के साथ प्रियांशु भी उस व्यापार में शामिल हो जाता है, क्लियर। चलिए प्रियांशु भी आ गया कुछ समय बाद, कितना रुपया लेकर, 3000 रुपया लेकर। यदि वर्ष के अंत में, मतलब व्यापार कितना दिन तक चला, 1 वर्ष, मतलब 12 महीने तक, दोनों के लाभ का अनुपात 2:1 हो, लाभ का भी रेशियो दे दिया 2:1, हमको चाहिए क्या था, लाभ और पूंजी, तो दोनों तो मिल ही गया। चलिए शुरू हो जाते हैं। तो कहता है पीयूष और प्रियांशु, ठीक है, लाभ ऊपर लिखना है, पूंजी नीचे लिखना है। तो शुरू में क्या कहा था कि पीयूष ने 3500 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया, कुछ समय बाद 3000 रुपया के साथ कौन शामिल हो गया,
प्रियांशु व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में दोनों लाभ को 2:1 में बांटता है। लाभ को ऊपर लिखना है तो 2:1 में बांटता है, मतलब पीयूष लाभ लेता है 2 और प्रियांशु लाभ लेता है 1। तो प्रियांशु कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, यह हमारा प्रश्न है। कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। अब व्यापार चला है 1 वर्ष तक। खैर यहां पे पहले इसको हल कीजिए, समय तो मेरा निकल गया, 2 सुना से 2 सुना कट गया और 7 5 35 और 6 5 30 अगर ऐसे गुना करेंगे तो 6 2 12 और 7 1 7 मतलब कहीं ना कहीं समय का अनुपात आपका निकल गया 12:7। क्लियर। अब यहां पे ध्यान दीजिए, व्यापार 1 साल मतलब 12 महीने तक चला। अब व्यापार शुरू कौन किया था, पीयूष शुरू कौन किया, पीयूष। जब पीयूष व्यापार शुरू किया और अंत तक रहा, अब व्यापार 1 वर्ष तक चला, इसका मतलब पीयूष का पूंजी व्यापार में 1 वर्ष मीन्स 12 महीने तक रहा। कितने महीने तक रहा, 12 महीने तक। यहां देखिए अनुपातिक 12 यहां भी है, 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 माह। 12 सिक्का का वैल्यू 12 माह, तो 1 सिक्का का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माह। 1 सिक्का का वैल्यू 1 माह, तो 7 सिक्का का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 माह। इसका मतलब प्रियांशु का पूंजी व्यापार में 7 माह तक रहा, ठीक है। लेकिन हमारा प्रश्न है कि कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो सोचो ना कि 7 माह तक इसका पूंजी व्यापार में रहा, 1 वर्ष मतलब 12 महीने तक व्यापार चला, तो कितने महीने बाद आया होगा, 5 महीने बाद नहीं। अतः प्रियांशु 5 माह बाद शामिल हुआ। नहीं समझ में आया आंसर, अरे 5 माह बाद शामिल हुआ, उसके बाद 7 माह तक पूंजी रहा, था 7 5 12 माह हो ना गया। क्लियर। चलिए नोट कीजिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, पुनः वही सवाल है ना कि हमसे क्या पूछ रहा है। आ ने कितने महीने तक अपनी पूंजी लगाई, मतलब पुनः समय हमसे पूछ रहा है। आ ने कितने महीने तक पूंजी लगाई मतलब समय पूछ रहा है। तो हम आपको पहले बोले थे कि जब भी समय का सवाल करें तो आपको क्या ढूंढना है, लाभ, और उसमें पूंजी से क्या कर देना है, भाग दे देना है, अपने आप समय का रेशियो निकल आएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि आ और बा के पूंजी का अनुपात 7:9 है। पूंजी तो दे दिया 7:9। बा 9 महीने तक अपनी पूंजी निवेशित करता है। वे दोनों लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटता है, मतलब 7:9 में ही बांटता है। क्लियर। चलिए देखते हैं कौन कौन है ये आ और बा। क्लियर। लाभ और पूंजी चाहिए, तो पूंजी तो शुरू में ही दिया हुआ है कि आ और बा के पूंजी का अनुपात है 7:9। चलिए पूंजी हो गया 7, इसका हो गया 9। फिर कहता है लाभ चाहिए अब हमको ऊपर लिखने के लिए। लाभ के बारे में क्या कहा, तो लाभ के बारे में कहता है कि वो दोनों लाभ के अनुपात में ही वे दोनों पूंजी के अनुपात में ही लाभ को बांटता है। तो पूंजी का अनुपात अगर 7:9 है तो लाभ भी बांटेगा 7:9 में ही। क्लियर। अतः उसका समय का रेशियो हो जाएगा, आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 1:1। मतलब जितना समय तक आ का पूंजी रहा उतने समय तक बा का भी पूंजी रहा। ठीक है। चलिए हमसे आ का पूछ रहा है समय कि आ कितने समय तक व्यापार में पूंजी निवेशित किया, कितने समय तक, कितने महीने तक। और बा का दिया हुआ है कि बा 9 महीने तक अपनी पूंजी निवेशित करता है, मतलब बा अगर 9 माह तक पूंजी निवेशित करता है तो इसका मतलब आ भी 9 माह तक करता है, क्योंकि एक अनुपात एक है, एक का वैल्यू 9, एक का वैल्यू 9 हो जाएगा। चलिए यही हमारा क्वेश्चन था कि आ का पूंजी व्यापार में कितने माह तक निवेशित हुआ, के माह तक हुआ, 9 माह। चलिए नोट करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को, है ना, पुनः वही सवाल, कितने महीने बाद बी इस व्यापार में शामिल हुआ। मतलब कहीं ना कहीं समय का ही क्वेश्चन है।
ठीक है, तो समय का जब क्वेश्चन है, लिख डालिए समय को, समय निकला कैसे, तो लाभ में पूंजी से भाग देकर, लाभ में पूंजी से भाग देकर। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कहता है आने 6 महीने के लिए किसी व्यापार में पूंजी लगाया जो कि कुल पूंजी का 2/3 भाग, यदि बी को कुल लाभ का 1/4 भाग प्राप्त होता हो। हमको पूंजी भी दे दिया है, लाभ भी दे दिया है, लेकिन मल्टीपल में दिया है, अब वो हम हल करना रेशियो में सीख चुके हैं। खैर, यहां पे दो व्यक्ति की बात किया है, ए और बी का, ऊपर में लाभ और नीचे में हमको पूंजी चाहिए ही ना। चलिए, ए 6 महीने के लिए किसी व्यापार में पूंजी निवेशित करता है जो कि कुल पूंजी का 2/3 है। ए जो पूंजी लगाया जो कि कुल पूंजी का कितना है, 2/3 है। तो कुल पूंजी का 2/3 है का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि कुल पूंजी हुआ 3, तो उसको मैं ए लगाया 2, ए का पूंजी हो गया 2। तो ए का पूंजी अगर 2 हो गया तो बी का पूंजी कितना होगा, 3 घटा 2 मतलब 1। अरे टोटल 3 रुपया तो पूंजी लगा, कुल पूंजी नीचे वाला, तुलना वाला राशि नीचे का होता है, तो कुल पूंजी हुआ 3, उसको में से 1 कितना लगाया, 2, तो बचा कितना, 1 रुपया, जो कौन लगाया, बी। लाभ के बारे में इसी ढंग से कहता है, बी को कुल लाभ का 1/4 भाग प्राप्त हुआ। बी को कुल लाभ का 1/4 भाग प्राप्त हुआ, इसका मतलब कुल लाभ हुआ 4 रुपया का, उसको में से बी को मिला 1 रुपया। तो बी को लाभ ऊपर लिखना है, तो बी को अगर 1 रुपया लाभ मिला 4 रुपया में से, तो बाकी 3 रुपया किसको मिला, ए को। क्लियर? तो हमको लाभ और पूंजी, लाभ और पूंजी मिल गया। अब इसको हल कर डालते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं। अब इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये समय का निकल रहा है, 200 गुना, तो 3:2, मतलब ए का पूंजी व्यापार में 3 माह तक रहा, तो बी का पूंजी व्यापार में 2 माह तक रहा। क्लियर? अब यहां पे ध्यान दीजिए, हमको समय कहता है कितने महीने बाद बी व्यापार में शामिल, है ना, कितने माह बाद शामिल हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, जबकि आ के बारे में कहता है कि या 6 माह के लिए पूंजी निवेशित किया, के महीना के लिए, 6 महीना के लिए, इसका मतलब 6 माह के लिए यहां से कितना रहा है, 3, तो 3 का वैल्यू हो गया 6 माह, मतलब 3 सिक्का का वैल्यू 6 माह, तो 1 सिक्का का वैल्यू 2 माह, तो 1 सिक्का का वैल्यू 2, तो 2 सिक्का का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 माह तक रहा, बी का पूंजी व्यापार में 4 माह तक रहा। अब व्यापार चूंकि 6 माह के लिए ही शुरू हुआ था, तो आप बताइए कि बी व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ। तब व्यापार 6 माह तक चला, इसका पूंजी 4 माह तक ही रहा, इसका मतलब ये व्यापार में 2 माह बाद शामिल। क्लियर? कौन, बी। बी व्यापार में 2 माह बाद शामिल हुआ, आंसर कितना उत्तर आ जाएगा हमारा, 2। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन नंबर 27।